स्टूडियो राघव की तरफ से आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो मेरा जो टॉपिक होगा वो शर्ट फ्रंट साइड जो है वो हम लोगों ने क्रिएट करना है। पहले हम लोगों ने इसके बेसिक डिजाइन को क्रिएट किया था एक लेक्चर में। आज मैं आप सबको एक जो है प्रैक्टिस के तौर पर एक और बेसिक डिजाइन हम लोग फ्रंट साइड जो है वो शर्ट का क्रिएट करेंगे। और इसके साथ मैं आप सबको पहले बता चुकी हूँ, हम लोगों ने पहले जो है वो ली थी शर्ट 40 और 45 ली थी। आज भी हम लोगों ने जो है वो पेज क्रिएट किया है 40, जो मैंने क्रिएट किया है 40 विड्थ लेनी है 40 इंच की और लेंथ हमें लेनी है 45 की। ये शर्ट का जो है वो साइज होता है। और आज चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि शर्ट फ्रंट साइज हम लोगों ने कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं लूंगी बेसिक कोई सॉलिड कलर जो है हम लोगों ने शर्ट के बैक पे देने के लिए। कोई भी बेसिक से कलर हम लोग जो हमें सूट करता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो भी सूट करेगा। चलो मैंने ये ले लिया, एक सॉलिड कलर ले लिया। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इसके बैकग्राउंड पे देने के लिए कोई भी जो है वो हम ले लेते हैं मोटिव्स, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसको बैकग्राउंड में लाने के लिए सबसे पहले मैं इसके रिपीट पैटर्न क्रिएट करूंगा। मैंने जो है वो पैटर्न लेने हैं। पैटर्न कैसे लेते हैं बनाना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को इसके बैक में पैटर्न लाने के लिए जो है मेरे पास कुछ डिजाइन जो है वो पैटर्न होने हैं, तो उनमें से मैं कोई भी डिजाइन लेके इसको एज अ पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। और हमने जो है एंगल डिस्टर्ब रखना है, इसका स्केल कितना इस्तेमाल करना है वो यूज करना है। ये ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने शर्ट बनाई इसके बैकग्राउंड में टेक्सचर देने के लिए। अब मैंने इसका जो है वो क्योंकि अब बैकग्राउंड बनाने में ये जो टेक्सचर हमने शो किया है ये तो बहुत डार्क कलर का शो हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि शर्ट्स के बैक में कुछ शेडोज शो हो रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स के टेक्सचर शो हो रहे होते हैं। हम बेसिक से अपर लेवल की तरफ जा रहे हैं तो हमें हर चीज को देख के चलना है, ध्यान से सीखेगा। अब हम लोगों ने ये जो टेक्सचर लिया है इसकी ओबेसिटी को कम करेंगे। ओबेसिटी यहाँ से जाके हम इसकी ओबेसिटी को कम करेंगे, एटलीस्ट वो उसका बैकग्राउंड टेक्सचर्स लगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया। अब हम लोगों ने जो है वो कोई भी हम लोगों ने इसमें से कोई बॉर्डर ले लेते हैं। बॉर्डर को हम लेने के लिए जो भी चूज करना है हमने बॉर्डर को उस तक मतलब क्रॉप करके हम लोग उसको जरूर ले सकते हैं, हो गया। इसको ओपन करके हम उसको ले लेते हैं। कंट्रोल प्लस आर को क्लिक करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे। ये बनेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी उसी में से कोई एक और बॉर्डर ले लेते हैं। इसी की साइज का कोई ले लेते हैं। क्योंकि बॉर्डर्स एक बॉर्डर अच्छा नहीं लगता, डिफरेंट बॉर्डर्स हो तो वो अच्छे बिल्कुल मतलब डिजाइन जो है वो डिजाइन में जो है वो फिट आएगी। एंड हमने ये बॉर्डर को क्रॉप कर लिया। चलिए इसको करके हम ये चलते हैं उधर, कंफर्टेबल जी के साथ हम इसका साइज बड़ा करेंगे।
अब हम लोगों ने उसके बाद में टेक्स्ट को दे दिया, बॉर्डर भी क्रिएट कर लिया। अब हम कोई टेक्स्ट डिजाइन जो है वो लेते हैं। हम दे देते हैं कोई भी टाइम पे पड़ा है, बढ़िया कोई ले लेते हैं। इसको पहले हम लोड करेंगे, जैसे वीडियो देखते हैं वो लेते हैं। अब उसको उठा के हम अंदर चलते हैं। अब हम उसके बैकग्राउंड में कोई भी छोटा सा मोटिव एडजस्ट कर लेते हैं। मोटिव्स जो मैंने मोटिव लिया है, अब मैंने कट टू पेस्ट के साइज का जो भी साइज रखना है वो मैंने रख दिया, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको आराम से इसके साथ यहाँ जाऊँ, इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब मैंने बताया मैंने हाफ ड्रॉप में इनको रखना है, हाफ ड्रॉप में। ठीक है, हमें इन सारी लेयर्स को जो है वो इमर्ज कर लेना है। लेयर्स को इमर्ज करने के बाद लेयर्स जो है वो इमर्ज हो गए, और हम लोगों ने इनको कलर्स दे देना है। ठीक है, सेम ऐसे तरीबन के ना वॉयस के साथ बैकग्राउंड के साथ जो है वो कलर मिक्सअप हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसके साथ कोई छोटा सा मोटिव और एडजस्ट करके हम उसको पेड़ को जो है वो एक अच्छा सा टेक्सचर दे सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बस इतना ही सिखाऊंगी क्योंकि हमारा बेसिक डिजाइन था, कल हम पेड़ लेवल का डिजाइन सीखेंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी टूल्स की समझ नहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में